आप बुला रहे हैं बार बार उनको, वो उनकी मजबूरी की आप बुलाएंगे तो आएगा, ठीक है, फिर वो आपको फाड़ेगा, फिर आप कहोगे मर रहे हैं, आप बचिए प्लीज। इतना क्यों चले जा रहे हैं गुस्से आप? अगर आपके सब इतना शक्तिशाली होते तो आप क्यों दुर्दशा को प्राप्त होते? क्यों आपको शरण लेनी होती भोलेनाथ की और माँ की? आप उनको धन्यवाद करिए, थैंक यू, क्यों थैंकलेस हो रहे हैं? जिन्होंने आपको ठीक किया, आपके परिवार को ठीक किया, उनको थैंक यू करिए, उनसे जुड़िए, करिए। अब भी आप उनको, आपको वही चाहिए जिन्होंने आपकी फाड़ी है, फिर आप वही घुस रहे हैं बार 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 बार। मैं मना कर रहा हूँ आपको, एनर्जी इन्वाइट मत करिए। आप शामिल हो कहीं चले जाइए, हाँ शामिल हो गए, आ गए भाई, धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन आप वहाँ बैठ कर घंटी लाने लगेंगे, आप एनर्जी इन्वाइट करेंगे तो वो एनर्जी आएगी, उसके जो रोग और कष्ट मरते समय रहे होंगे वो आपको पकड़ेंगे, फिर आप बीमार होंगे। मैं ये कह रहा हूँ, साइंस को समझो, ये साइंस है बेटा। आप बीमार आदमी की पूजा करोगे, संगत करोगे, बीमारी आएगी, बचिए।